चाहे वो धर्म गुरु हो या आम जनता, हर कोई यूसीसी के मसौदे का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस कानून से सबसे ज्यादा खलबली विपक्ष को है, क्योंकि यूसीसी का विरोध एक बड़े तबके को निराश करने जैसा साबित हो रहा है। तो इस पर राजी होना बीजेपी की एक और बड़े एजेंडे पर हस्ताक्षर करने जैसा है। प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन-सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजे हैं। कॉमन सिविल तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं, और अगर ज़मीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ला। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज़ है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है, उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है, और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड वेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा, मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, एक महीने से जल रहा है विभाजन जो है, उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है ना। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसको इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं, ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, ये हमारा मानना है।